नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है ग्लोबल एटोमी नेटवर्क टीम वारियर में दोस्तों दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एक बर्निंग टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक है बहुत ही अच्छी न्यूज़ है एटोमिक कोरिया की तरफ से और हमारे जो सी ई ओ है मिस्टर हैंगल पार्क की तरफ से बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्तों एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है एटोमी के अंदर जिसको हम बोलते हैं फोर टेक्नोलॉजी एक्स आर टेक्नोलॉजी ओके तो इसके ऊपर काफ़ी टाइम हो गया एक वीक के करीब हो गया है और काफ़ी मेरे फ्रेंड सर्कल हैं जो सब्सक्राइबर्स हैं काफ़ी मेरे टीम के हैं क्रॉस टीम के काफ़ी मेंबर्स हैं इंडिया से काफ़ी लोगों के कॉल आए कि एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जो इस टेक्नोलॉजी के बारे में एक सही तरीके से आपको रिप्रेजेंट कर सके और आप इस वीडियो के माध्यम से उस चीज़ को समझ सके कि कि किस प्रकार की टेक्नोलॉजी ये एटोमी लेकर के आ रही है जो कि आने वाले टाइम में एक बहुत ही बड़ी हिस्ट्री क्रिएट करने वाली है दोस्तों डेफिनेटली करेगी कोई डाउट नहीं है दोस्तों तो इसके ऊपर हमने काफ़ी टाइम से मैं रिसर्च कर रहा था और फाइनली टाइम कम था मेरे पास इसलिए पी, -पी बन चुकी है तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर नए सब्स मेंबर्स हैं और आप फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर आए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ताकि आपको एटोमिक ग्लोबल इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम सही और सटीक जानकारी हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दोस्तों मिलती रही और इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा क्योंकि अगर इस वीडियो को आपने कम्प्लीट नहीं देखा तो कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ें जो समझ में आनी चाहिए वो नहीं आएंगी ओके तो डेफिनेटली मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को थोड़ा कंटिन्यू देखिए थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन एक सही और सटीक जानकारी के लिए आप ये वीडियो बिल्कुल देखिए और इस वीडियो के अंदर मैंने रिसर्च करके सारे पॉइंट्स को एक लॉजिकल वे में अरेंज किया है और रिप्रेजेंट किया है ताकि आपको जो समझने में कोई भी दिक्कत ना हो ठीक है और जो पीपीटी मैंने बनाई है उसके बारे में मैं पूरा डिस्कस करूँगा इस वीडियो के अंदर और आपको बताऊँगा कि ये जो टेक्नोलॉजी है नई टेक्नोलॉजी आ रही है इसका आने वाले टाइम में ग्लोबल मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ेगा दोस्तों ठीक है और बहुत ही बड़ी टेक्नोलॉजी है और इसके ऊपर हमने काफ़ी खूबसूरती से एक्सप्लेन किया है तो सारे पॉइंट्स को आप देखिए अच्छे तरीके से आप रेड आउट कीजिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जितने भी एटोमी के ग्लोबल मेम्बर्स हैं उनको ये न्यूज़ पहुँच सके कि किस प्रकार की एटोमी टेक्नोलॉजी ले करके आ रही है और काफ़ी जो मेम्बर्स हैं बड़ी बड़ी टीम्स बना चुके हैं एटोमी इंडिया के मेम्बर्स हैं एटोमी ग्लोबल मेम्बर्स हैं फॉरन कंट्रीज से हैं और बड़ी बड़ी जो कंपनीज उनके सी हैं एम हैं टॉप लीडर्स हैं काफी मेंबर्स इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आशा इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखिए चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अब तो दोस्तों जैसा कि नेट टेक्नोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे एटोमी फोर टेक्नोलॉजी एक्सआर और ए आई के बारे में डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले मैं आप तो, आप सभी का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के अंदर एटोमी टीम वॉरियर इंडिया के अंदर और वन गोल वन टीम ये हमारा स्लोगन है वन टीम वन गोल जैसा कि सभी का यहाँ पे एक स्लोगन है वन टीम वन गोल और हमारा जो गोल है वो डेफिनेटली सक्सेस होना है यहाँ पे जितने भी टीम वॉरियर के मेम्बर्स हैं डेफिनेटली एक बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हैं एटोमी ओपनिंग के अंदर और जित हमारा मेन फोकस ये रहता है कोई भी लीडर अगर टीम वारे के साथ ज्वाइन करे तो उसमें लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना और उसको एटोमी की ए टू जेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना एम एल एम नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड उसको एजुकेशन देना और एक ऐसी एजुकेशन देना कि वो इंडिपेंडेंटली बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाए और डेफिनेटली आज के टाइम पर बहुत सारे हज़ारों लीडर्स हम क्रिएट कर चुके हैं पिछले ढाई साल के अंदर और बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के लीडर्स जिनके बारे में मेरे पास वर्ड नहीं है मेरी टीम के साथ और मेरी टीम के बारे में इतने अच्छे अच्छे लीडर्स हमारे साथ एज ए टीम हम काम कर रहे हैं आने वाले टाइम में डेफिनेटली सभी लोग सक्सेस होंगे यहाँ पे उसमें कोई डाउट नहीं है तो अगर आप नए मेंबर हैं अगर आप एटोमी टीम वॉरियर के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कीजिए व्हाट्सअप कीजिए आपको एटोमी टीम वॉरियर का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम एंड ट्रेनिंग का पूरा सपोर्ट रहेगा और हमारी इस टीम के अंदर मैक्सिमम प्रोफेशनल लीडरशिप लोग हैं और वो आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करेंगे सबसे पहले और हाईली नॉलेजेबल टीम है हमारी हाईली नॉलेजेबल स्किल टीम है तो आपकी स्किल्स को भी इंप्रूव करेंगे डेफिनेटली हर फील्ड के टॉप टॉप लीडर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं डेफिनेटली आपको और आपकी पूरी टीम को हमारे जो स्किल्ड मोस्ट एक्सपीरियंस विजनरी लीडर्स का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा ठीक है दोस्तों और जो भी हम लेडी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं लीडरशिप डेवलप प्रोग्राम करते हैं काफ़ी लेडी लीडर्स को क्रिएट कर चुके हैं और काफ़ी लेडी लीडर्स अपनी टीम को एक अच्छे तरीके से डील कर रहे हैं और लीड कर रहे हैं और आने वाले टाइम में बहुत बड़ी सक्सेस की हिस्ट्री हम लिखने वाले हैं तो दोस्तों काम तो सब करते हैं लेकिन स्मार्टेस्ट काम करना बहुत ज़रूरी है और एक नॉलेजेबल टीम के साथ सो बिकम ए पार्ट ऑफ इंडिया इज मोस्ट प्रोफेशनल एंड वेल एक्सपीरियंस स्मार्टेस्ट नॉलेजेबल टीम टीम वारियर फ्रेंड्स एंड यू एंड यूर फुल टीम विल गेट टीम वारियर एजुकेशन सिस्टम एंड ट्रेनिंग सपोर्ट नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा मेन टॉपिक था और अगर आप हमारी टीम के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम के कहते हैं कि जिस कंपनी के पास स्ट्रॉग एजुकेशन सिस्टम होता है डेफिनेटली वो बहुत दूर तक जाती है और एटोमी के पास एक बहुत ही स्ट्रॉग एजुकेशन सिस्टम है जिसने 10 साल में एक बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट की है और एटोमी के अंदर टीम वॉरियर के पास एक ऐसा बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम है जो कि आपको और आपकी पूरी टीम को सक्सेस के द्वार तक डेफिनेटली लेकर जाएंगे और हर मेंबर हमारी टीम की तरफ से सक्सेसफुल होंगे इस तरीके से हमने अपना एजुकेशन सिस्टम एंड ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम अपन अपने टीम को प्रोवाइड कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कीजिए और कॉल कीजिए और आपको और आपकी पूरी टीम को टीम वॉरियर की तरफ से बेस्ट एजुकेशन सिस्टम का सपोर्ट मिलेगा दोस्तों ठीक है चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का जो मेन टॉपिक है उसके बारे में ठीक है जैसा कि एक कहावत है कि हाउ एटोमी री राइटिंग डी एस एन हिस्ट्री एटोमी के बारे में काफ़ी चीज़ें आ रही हैं और एटोमी की ऑफिशियली काफ़ी वॉल पेपर्स भी आपने देखे होंगे तो उसमें एक वर्ड होता है एटोमी इज गोइंग टू राइट री राइटिंग डी एस एन हिस्ट्री एटोमी डायरेक्ट सेलिंग की एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाली है बिल्कुल सही बात है दोस्तों उस बात को आज हम प्रूव करेंगे यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से ठीक है एटोमी बिग्गेस्ट रेवोल्यूशन इन एम एल एम इंडस्ट्री के अंदर लेकर के आ चुका है ऑलरेडी और उस रेवोल्यूशन के अंदर कुछ और नई टेक्नोलॉजी इन्होंने ऐड कर दी है जिस को हम बोलते हैं एटोमी एक्सटेंडेड रियलिटी टेक्नोलॉजी एक्सआर टेक्नोलॉजी का शॉर्ट फॉर्म है एक्सटेंडेड रियलिटी टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड रियल टेक्नोलॉजी क्या होती है तो इसके बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे बेसिक चीजें मैं आपको बताऊंगा और फिर इसके बाद हमारे काफ़ी वीडियोज़ आएंगे एक्स टेक्नोलॉजी क्या होती है फोर डी ऐप की टेक्नोलॉजी क्या होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है तो उसके बारे में टाइम टू टाइम सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और ऐटोमे की जो फोर ऐप आने वाली है योर ऑनलाइन पर्सनल शॉपिंग मॉल की तरह एक आपकी फोर ऐप आप आने वाली है जो कि बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है और ऑटोमे की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है फोर डी ए आई टेक्नोलॉजी उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप ओके दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम व्हाट इज एटोमी हम थोड़े से बेसिक पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे एटोमी क्या है एक ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट और अलीबाबा स्नैपडील जितने भी ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे आप शॉपिंग्स करते हो और प्रोडक्ट आपको घर पे मिलता है सेम वे में एटोमी एक ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है ऑनलाइन ई कॉमर्स शॉपिंग पोर्टल है जिसके अंदर एम एम इंडस्ट्री भी है नेटवर्क मार्केटिंग भी है इंटरनेट का भी प्रॉपर यूज़ हो रहा है नए नए टेक्नोलॉजी का भी यूज़ हो रहा है ग्लोबल सिंगल आईडी ग्लोबल आईडी और सिंगल सर्वर पे काम हो रहा है जो सेंट्रलाइज सर्वर है वो कोरिया के अंदर है और इसके अंदर जो काम हो रहा है ये पहली ऐसी कंपनी है पूरे वर्ल्ड में जो ऑनलाइन ई कॉमर्स के माध्यम से ऑनलाइन ई कॉमर्स शॉपिंग मॉल के माध्यम से फर्स्ट कंपनी है जो एम एल एम नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में है जिसमें एम एल एम भी है नेटवर्क मार्केटिंग भी है ठीक है और ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के मॉड्यूल के ऊपर बिल्कुल है और ऑनलाइन शॉपिंग बिजनेस की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करती है जिस प्रकार से आप अमेजन और फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन शॉपिंग करते हो प्रोडक्ट मिलता है बस इतना ही होता है आपको लेकिन अगर आप एटोमी के साथ ऑनलाइन ई शॉपिंग पोर्टल पे अगर जो भी प्रोडक्ट आप ऑर्डर करते हो तो प्रोडक्ट तो डेफिनेटली आपको मिलेगा मिलेगा और प्रोडक्ट की हंड्रेड मनी बैक रिटर्न सेटिस्फेक्शन की गारंटी भी देती है कंपनी और साथ में जो भी प्रोडक्ट आप ऑनलाइन बाई करते हो तो उसके बदले में पॉइंट वैल्यू देती है आपको जिसको बोलते हैं पी ओके okay? तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है आपको और आपकी पूरी टीम को थर्ड जनरेशन तक एक सोर्स ऑफ पैसिव इनकम यानी कि आप आपके बच्चे और उनके बच्चे आपके पोतों तक थर्ड जनरेशन तक का इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस प्रोवाइड करती है आपको इनहेरिटेंस जो आपके नेक्स्ट जनरेशन है थर्ड जनरेशन तक आपको इनहेरिटेंस प्रोवाइड करेगी यानी कि आईडी ट्रांसफर हो सकती है थर्ड जनरेशन तक एक बार यहाँ पे दो से तीन साल आपने काम किया एक अच्छी टीम डेवलप करके यहाँ पे आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो आप ये समझ के कीजिए कि आप सौ साल के विजन के साथ काम कर रहे हो एक बार यहाँ पे आपने मेहनत की एक अच्छी टीम डेवलप की तो डेफिनेटली उसका जो प्रॉफिट है आपकी तीन जनरेशन तक जाएगा इस तरीके से ये एटोमी ने अपना प्लेटफॉर्म यहाँ पे डेवलप किया है और ये एक बेसिकली कंज्यूमर का प्लेटफॉर्म है यहाँ पे आपको प्रोडक्ट ऑनलाइन यूज़ ऑनलाइन ऑर्डर करना है और प्रोडक्ट आपके घर पर आएगा उसको यूज़ करना है और उसका जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना है अपने फ्रेंड सर्कल में डेफिनेटली ये एक बाइनरी प्लान है अपने लेफ्ट एंड राइट में आपको कंज्यूमर्स का नेटवर्क डेवलप करना है जब प्रोडक्ट्स को लोग कंज्यूम करेंगे यूज़ करेंगे डेफिनेटली क्वालिटी का उनको पता चलेगा फिर आप उन कंज्यूमर्स को एक बिज़नेस अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूटर अकाउंट में आप कन्वर्ट कर सकते हो तो इस तरीके से आप यहाँ पे बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी और बहुत बड़ी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी हैं आप अपना जो बिज़नेस है वो इंटरनेशनली एक्सप्लोर कर सकते हैं आप इंटरनेशनली लेकर के जा सकते हैं सबसे बड़ी बात ये है अभी ये बिज़नेस फिफ्टीन कंट्रीज़ में चल रहा है दो से लेकर के दो जुलाई तक फिफ्टीन कंट्रीज़ में ओपन हो चुका है और इंडिया सोलवा कंट्री है इंडिया के बाद कोलंबिया टर्की वियतनाम काफ़ी कंट्रीज़ आने हैं तो ये अभी प्री लॉन्चिंग स्टेज है दो महीने के बाद अक्टूबर से नवंबर के बीच एटोमी ऑफिशियली इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाली है तो यहाँ पे आप एक अपना अच्छा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं अपने लीडर्स का और जैसे एटोमी लॉन्च होगी तो दोस्तों बहुत बड़ा काम होने वाला है इंडिया के अंदर ओके नेक्स्ट एटोमी फर्स्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जो कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के मॉड्यूल पर आधारित है और इन ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंदर ये फर्स्ट ऐसी कंपनी जो नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट कर चुकी है पिछले दस सालों में बहुत बड़े रिकॉर्ड बना चुकी है एटोमी सिंगल सर्वर बेस्ड कंपनी जो कि सिंगल सर्विस का साउथ कोरिया में है और डेफिनेटली अलग अलग कंट्री का लोकल तो होता ही है ठीक है एटोमी सिंगल आईडी ग्लोबल आईडी यहाँ पे आपने एक बार अपनी आइडिया प्लेस कर देते हो तो यहाँ पर आप इंटरनेशनली अपना बिज़नेस को जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं जो कि बहुत बड़ी बात है अगर आपकी टीम दूसरे कंट्रीज़ में है तो डेफिनेटली अगर आप टीम बनाते हो यहाँ पे तो उसका बेनिफिट आपको थर्ड जनरेशन तक मिलेगा वहाँ पे और अनलिमिटेड एक्सप्लोर बिजनेस आप कर सकते हैं अगर ठीक है नेक्स्ट वाई एटोमिक सेवेंटी फाइव पॉइंट्स दोस्तों जो नए मेंबर्स हैं उनको अगर एटोमिक सेवेंटी फाइव पॉइंट्स नहीं पता तो आप मेरे चैनल के ऊपर जाइए के जो सेवेंटी फाइव पॉइंट्स आप एक बार पढ़िए और कंपेयर कीजिए अदर कंपनीज़ के साथ तो डेफिनेटली आपको पता लग जाएगा कि मैं मेरे को एटोमिक क्यों करनी चाहिए और एटोमिक के अंदर क्या खासियत है था? और क्या खास बातें एटोमी थर्टी पॉइंट्स एटोमी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव पॉइंट्स जैसा कि हमारे एमडी मिस्टर अली सर ने भी बताया है तो सारी चीज़ें आप देखिए इसके जितने भी पॉइंट्स हैं मेन मेन और बेसिकली काफ़ी कंपनीज़ में आपने काम किया मैंने काम किया होगा सब कंपनीज़ में किसी में सिक्स भी होता है किसी में सेवन पे किसी में आठ पे लेकिन हम एटोमी के अंदर सिर्फ थ्री पी पे काम करते हैं फर्स्ट पे होता है कंपनी का प्रोफाइल जो कि बहुत स्ट्रॉग प्रोफाइल है और उसका कंपेयर इंटरनेशनली कोई भी कंपनी कर नहीं सकती सेकेंड भी होता है कंपनी का कंपेसेशन प्लान जब कंपनी लॉन्च हुई थी तब से लेकर अब तक ऑलमोस्ट सेम कंपसेशन प्लान है जिसको आप पे आउट प्लान बोल सकते हो थर्ड है प्रोडक्ट और दोस्तों प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी बेहतरीन नहीं है तो सबको पता ही है ठीक है एब्सोलुट क्वालिटी एब्सोलूट प्राइस कंपनी का एक ही मोटो है जी एस जी एस स्ट्रेटजी के थ्रू आपको मास्टिज क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड करना मास में प्रोडक्शन प्लस में प्रेस्टीज प्रोडक्ट्स प्रोवाइड प्रोड़ करना क्वालिटी से नो कॉम्प्रोमाइज ओके तो का एक उद्देश्य है कि इसके हर कंज्यूमर मेंबर्स को बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड प्रोड़ करना एक अफोर्डेबल रीजनेबल प्राइस में लो प्राइस में ठीक है और एटोमिका अमेजन के साथ एटोमिक का जो दूसरी कंपनियों के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे और इंडिया की हर कंपनी को ये रेस्पेक्ट करती है एज ए ब्रदर एंड सिस्टर तो एटोमी का इंडिया की किसी कंपनी के साथ दोस्तों कोई कंपेयर नहीं है तो आप वाद विवाद ना खड़ा कीजिए ना खड़ा होने दें ठीक है तो एटोमी इंडिया की हर कंपनी का रेस्पेक्ट करती है डेफिनेटली कोई डाउट नहीं है एटोमी का कंपिटिशन सिर्फ अलीबाबा अमेजन ऑनलाइन ई शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स है जैसे वालमार्ट वगैरह तो उनके साथ इनका कंपैरिजन है और अमेजन और अलीबाबा के साथ डेफिनेटली इसका कंपैरिजन है आने वाले टाइम में ये

और चाइना लॉन्च हो चुका है इंडिया लॉन्च होने वाला है तो अगले साल डी एस एन की जो लिस्ट में एटोमी टॉप फाइव से टॉप सेवन के अंदर जाने वाली उसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों और दो हज़ार तेईस तक हम मान के मान के चलते हैं एटोमी टॉप थ्री के अंदर होगी ओके जो कि बहुत बड़ी बात है और डेफिनेटली होगी है उसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े मार्केट एक्सप्लोर हो रहे हैं और इंडिया जैसा बड़ा मार्केट आपको पता है कहीं नहीं है ठीक है और यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के अंदर अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कीजिए अपनी टीम डेवलप कीजिए और एटोमिक रेवोल्यूशन का एक पार्ट बनिए और सबसे बड़ी चीज है कि क्वालिटी बेस यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे और पांच कैटेगरी के प्रोडक्ट्स यहाँ पे लॉन्च होने जा रहे हैं और बहुत बड़ी बात है दोस्तों नेक्स्ट एटोमी टेन ईयर्स ड्रीम केम ट्रू जैसा कि आपको पता है कि एटोमी का जो फ्यूचर है इसको फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्यों बोलेंगे एटोमी फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्यों बोलेंगे क्योंकि ये ऐसे ऐसे रेवोल्यूशन लेकर के आ रही है दोस्तों जो इस वीडियो में आप देखोगे डेफिनेटली ये जितनी भी कंपनियाज़ आज तक चल रही है जितना भी नेटवर्क मार्केटिंग में काम हुआ है उन्नीस सौ नब्बे पचानवे सन दो हज़ार दो हज़ार बीस तक जितना भी काम हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कंपनसेशन प्लान पे आउट प्रोफाइल कंपनी के सी ये सारी चीज़ों को लेकर के हुआ है किसी कंपनी में कम चीज़ें होती है किसी में ज़्यादा किसी का प्रोफाइल अच्छा नहीं होता तो किसी का प्रोफाइल ही गायब हो जाता है किसी का प्लान चेंज हो जाता है तो किसी के प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं मिलती प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है तो प्राइस पे वैल्यू करती है तो सारी चीज़ें हैं ना ये जितने भी पी हैं उनमें काफ़ी कंपनियाँ और किसी के पास एजुकेशन सिस्टम नहीं होता तो ये जो पुराना जो रूटीन है उन्नीस से लेकर के दो तक का जितने कंपनियों में हमने काम किया है उनमें डेफिनेटली सारे फैक्टर्स मायने करते हैं और किसी में कम किसी में ज़्यादा तो कंपनी कोलेप्स कर जाती है और तो वो सारी चीज़ें एक बहुत ही पुरानी चीज़ें हो गई हैं आने वाले टाइम में जो कंपटीशन होगा नेटवर्क मार्केटिंग में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वो टेक्नोलॉजी के ऊपर होगा नई टेक्नोलॉजी ठीक है जिसको बोलते हैं फोर डी एक्स आर ए आई तो इन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम होगा और अली और अमेजन पिछले दस से बीस साल में फोर डी ए आई एक्स आर के ऊपर काम करने लगी हुई है लेकिन सक्सेसफुल अभी तक नहीं हुई है और एटोमी ने वो करके दिखा दिया है ठीक है और पिछले दस साल के अंदर एटोमी के अंदर काफ़ी लोग हिस्ट्री क्रिएट कर चुके हैं और काफ़ी लोगों के जो सपने हैं वो साकार हो चुके हैं और एटोमी इंडिया के अंदर जिस भी कंट्री में जा रही है अभी हंड्रेड इयर्स का ड्रीम लेकर के जा रही है हंड्रेड इयर्स का ड्रीम मतलब आपकी तीन जनरेशन तक ठीक है आपका फ्यूचर सिक्योर है आपके आपके बच्चों का बहुत बड़ी बात है दोस्तों और एटोमी रीराइटिंग नेटवर्क मार्केटिंग में हिस्ट्री क्यों करने वाली है क्योंकि ये एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है कोई भी नई टेक्नोलॉजी अगर मार्केट में आती है तो बहुत बड़ा डिस्ट्रक्ट करती है वो मार्केट को बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर करती है वो ठीक है तो डेफिनेटली ये टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर करेगी किस तरीके से वो इस वीडियो में आप कंटिन्यू देख देखिए ठीक है और काफी कंट्रीज में एटोमिक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना चुकी है जैसा कि हमारे सी का टारगेट है इनका टारगेट है एटोमिक को 100 बिलियन डॉलर की कंपनी बनना है लास्ट ईयर 1.3 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट इन्होंने किया था और ग्यारहवीं पोजीशन पे ये आ चुके हैं और फ्यूचर विजन है इसका हंड्रेड बिलियन डॉलर कंपनी बनना है ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूशन हब बनना है इसको ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हब बनना है बहुत बड़ी बात है दोस्तों और जितने भी इसके कस्टमर्स हैं उनका जो सेटिस्फैक्शन है बहुत हाई लेवल का है एटोमी कस्टमर्स सेटिस्फैक्शन बियॉन्ड एटोमिक अपने जितने भी कस्टमर्स हैं उसकी सक्सेस भी चाहती है लेकिन उससे ऊपर भी बहुत कुछ है जिनका आप देखोगे आपकी लाइफ इसके साथ जुड़ती है तो आपकी और आपकी पूरी फैमिली की लाइफ यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकती है आप अपने पूरे ड्रीम्स यहाँ पे अचीव कर सकते हो और ग्यारहवीं पोजीशन ये अचीव कर चुकी है टॉप हंड्रेड एमएलएम कंपनीज़ के अंदर एटोमिक सी ई वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के, के मेम्बर हैं जिसको बोलते हैं हम डब्ल्यू एफ पूरे वर्ल्ड में इसके बहुत ही कम लोग बहुत ही कम सी हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है उसका मेम्बर बनने का जो कि प्राउड मोमेंट है हमारे सबके लिए और एटोमिक के प्रोडक्ट की जो हंड्रेड परसेंट रिटर्न बैक जो गारंटी होती है वो डेफिनेटली इसका जो रिटर्न का जो रेट है कोरिया के अंदर जीरो पॉइंट वन नाइन परसेंट है एटोमिक के प्रोडक्ट का सेटिस्फेक्शन रेट रिटर्न रेट तो सोच सकते हो नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट लोग इसके प्रोडक्ट सेटिस्फाई हैं तो कितना बड़ा काम होने वाला है इंडिया के अंदर आप सोच सकते हो दोस्तों ठीक है अभी आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि काफ़ी टाइम से इंडिया के अंदर काफ़ी लीडर्स दो ढाई साल से जैसे कि मैं भी काम कर रहा हूँ विदाउट पेमेंट में काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है आने वाले टाइम में कितना बड़ा मार्केट कैप्चर करेगी कितनी बड़ी हिस्ट्री होगी कितनी बड़ी हिस्ट्री क्रिएट करने वाली है कितने ज़्यादा इसके कंज्यूमर्स बढ़ने वाले हैं इंडिया के अंदर और डेफिनेटली मेरे को अपना लेवल भी अचीव करना है और मेरे को अपनी पूरी टीम का लेवल भी अचीव करवाना है इसलिए मैं अपने पूरी टीम के लीडर्स के साथ मिल करके दिन रात काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम से मैक्सिमम लोग सेल्स मास्टर क्वालिफाई करें डायमंड मास्टर क्वालिफाई करे शेरन रोज मास्टर क्वालिफाई करे डेफिनेटली करेंगे और आने वाले टाइम में जैसे एटोमी ओपन होता है तो टीम वॉरियर की तरफ से जो सक्सेस का रेशो है मास्टरशिप का जो रेशो है वो हम बहुत अच्छा करेंगे ज़्यादा ओवर कमिटमेंट में करूँगा नहीं प्रैक्टिकली हम लोग करेंगे डेफिनेटली कोई डाउट नहीं है ठीक है नेक्स्ट देखिए आप एटोमी ग्लोबल मार्केट मोर देन साठ लाख एटोमी के अंदर अभी साठ लाख से ज़्यादा मेंबर्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं जो कि बहुत बड़ी बात है चाइना के अंदर सुनने में आया है कि डेढ़ महीने के अंदर तीस लाख से ज़्यादा लोग रजिस्टर्ड हो चुके थे और इंडिया के अंदर अभी पंद्रह लाख के आसपास लोग रजिस्टर्ड हैं के का काम चल रहा है और एटोमी इंडिया की वेबसाइट पर नया रजिस्ट्रेशन चल रहा है ठीक है और इंडिया के अंदर नहीं काफ़ी पूरे वर्ल्ड में कंपनियां एटोमिक से ड्री हुई है क्योंकि एटोमिक के प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बेहतरीन है प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉग है कंपसेशन प्लान बहुत स्ट्रॉन्ग है और लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो पूरा रेवोल्यूशन लेकर के आ रही है पूरी मार्केट को डिस्टर्क करने वाली है बहुत बड़ा तूफान आ रहा है एटोमिक के माध्यम से नई टेक्नोलॉजी आ रही है और दोस्तों नई टेक्नोलॉजी यानी कि एक कहावत है कि उगते सूरज को लोग सलाम करते हैं तो डेफिनेटली वो कहावत बिल्कुल सही साबित होने वाली है एटोमिक के साथ जो नई टेक्नोलॉजी लेकर के आएगी तो इसके अंदर कितना क्राउड आएगा जब शुरू के स्टार्टिंग के तीन महीने के अंदर लोग इसका प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली कितने लोग इसका प्रोडक्ट यूज़ करेंगे क्या मार्केट का सैलरी होगा तीन महीने के अंदर काफ़ी लोग लाखों रुपए में कमा रहे होंगे तो उनका जो मार्केट है वो तो अट्रैक्ट होगा इस साथ के साथ टेक्नोलॉजी भी आ रही है दोस्तों तो आप देखिए आने वाले टाइम में प्रोडक्ट की क्वालिटी आप लोग यूज़ करोगे आपको पता चलेगा कंपनसेशन प्लान आपका पे आउट प्लान डेफिनेटली दूसरी कंपनीज़ में जो लीडर काम कर रहे हैं टॉप पोजिशन पर वो देख चुके हैं एटोमी के बारे में डेफिनेटली कई लोगों ने तो काम भी स्टार्ट कर दिया है चाहे फ्रंट में हो या बैकडोर में हो जो दूसरी कंपनीज में काम कर रहे हैं और जो नहीं आए हैं अभी तक वो डेफिनेटली उस क्राउड मोमेंट के ऊपर आएंगे इसकी सक्सेस को देखते हुए वो भी चाहेंगे कि हम यहाँ से सक्सेस ले सकते हैं और क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टर्म का प्लेटफॉर्म है कोई छोटा मोटा काम नहीं होने वाला और सब लोग चाहेंगे ऑटोमी के साथ जुड़ना आने वाले टाइम में और नेट जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो मार्केट के अंदर इतना बड़ा कंपटीशन क्रिएट कर देगी कि आने वाले टाइम में सिर्फ टेक्नोलॉजी के बाद टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बात होगी और बाकी की थ्री पी के बारे में तो आपको पता ही का बहुत स्ट्रांग है लेकिन साथ में टेक्नोलॉजी भी लेकर के आ रही है तो कितना बड़ा मार्केट कैप्चर करने वाली है ये सिर्फ मेरे से छुपी नहीं रहेगी बात प्रैक्टिकली हम देखेंगे जब लॉन्च होगा तब ओके और नेक्स्ट वाई अदर कंपनीज़ आर अफ्रेड ऑफ एटोमी और काफ़ी कंपनियाँ एटोमी से ड्री हुई है क्योंकि इसका दस साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो देखिए जिस भी कंट्री में लॉन्च होती है वहाँ पर बहुत बड़ा रिकॉर्ड सेटअप करती है और बहुत बड़ा कंज्यूमर का मार्केट क्रिएट करती है और जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो भी बहुत बड़ा मार्केट को डिस्ट्रेक्ट करने वाली है ये हम सब प्रैक्टिकली देखेंगे और एटोमी के सी ई ने जैसा कि बोला हुआ है कि जितनी भी कंपनी हैं पूरे वर्ल्ड में वो काम करती हैं दुनिया भर के पीस के ऊपर फाइव पी सेवन पी एट पी लेकिन हम सिर्फ थ्री पी के ऊपर काम करते हैं प्रोफाइल प्लान प्रोडक्ट और यहाँ पे हम टर्न के लिए काम नहीं करते काफ़ी कंपनियाँ क्या करती हैं कि खुद के टर्न के लिए काम करती हैं और कस्टमर्स के ऊपर कंज्यूमर्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर एक प्रेशराइज करती हैं कि आपको हर महीने प्रोडक्ट परचेज़ करना होगा ताकि कंपनी का जो टर्नओवर है वो मेंटेन रहे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है यू आर फ्री आपको साल में एक प्रोडक्ट बाई करना है आपकी आईडी सिस्टम के अंदर एक्टिवेट रहेगी कभी भी कंपनी की तरफ से ऐसा नहीं है कि आपको कभी बोला जाएगा सब कुछ यहाँ पे आपकी मर्जी के ऊपर है और आपको अर्निंग करनी है तो कंपनी का कंपनसेशन प्लान आपको फॉलो करना पड़ेगा उस प्लान के अंदर भी ऐसा कुछ ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको करना है यू आर लाइबल टू फ्री ओके तो आप अपने तरीके से बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं और जो भी कंपनियाँ होती है उसमें काफ़ी कंपनीज में बिजनेस के प्लान्स भी चेंज होते रहते हैं और काफ़ी कंपनीज़ ने के प्लान भी कॉपी करके चल रही हैं वो तो वो तो एक अलग मैटर है छोड़िए लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग से लेकर अभी तक सेम प्लान है बहुत बड़ी बात है दोस्तों तो कंपनी के बारे में जो जो मैंने फैक्टर्स बताए हैं वो जो नए लीडर्स हैं तो उनको समझने में काफ़ी आसानी होगी आपको और आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर बढ़ रहे हैं तो आप उन सारी चीज़ों को समझिए एक बार ओके और कंपनी में काफ़ी कंपनीज में क्या होता है कि आपको एक एक महीने के लिए वेट करना पड़ता है टर्न का और क्लोजिंग का यहाँ पर कुछ भी नहीं है दोस्तों डेली मैचिंग डेली कमीशन है आपका सबसे बड़ी बात है आपको एक एक महीना वेट नहीं करना 24 फोर आवर वेट तो करना है 24 फोर आवर के बाद, के बाद क्लोजिंग है क्योंकि ग्लोबल पीरियड 24 फोर आवर के बाद कैलकुलेशन होता है जो भी एन फैक्टर से पैसा मिलेगा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा कोई डाउट नहीं है वीकली विदड्रा कीजिए तो यहाँ पे एक महीने की बजाय एक ट्वेंटी आवर्स में ही आप का अकाउंट में क्रेडिट करती है कंपनी जो कि बहुत बड़ी बात है दोस्तों एक एक महीने वेट नहीं करना और वीकली पे आउट विद्रा कीजिए किसने रोका है आपको है ना और जो पहले का जो पास्ट का जो ट्रैक रिकॉर्ड था उन्नीस सौ से, से 2020 में काफ़ी कंपनीज जो काम करती हैं जिस बेस पे जो कंपिटिशन्स होता है प्रोडक्ट प्लान कंपनी का प्रोफाइल ये वो वो सब चीज़ें बहुत पुरानी बातें हो चुकी हैं लेकिन आने वाले टाइम का जो फील्ड है वो डेली बेसिस पे नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है और रेवोल्यूशनस होता रहता है चेंज होता रहता है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं जब भी नया रेवोल्यूशन हुआ जब भी मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो मार्केट ने डेफिनेटली उसको अडोप्ट किया है उसमें कोई डाउट नहीं है ठीक है तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इसके माध्यम से तो अभी देखिए और काफ़ी कंपनीज़ कोलेप्स हो जाती हैं क्योंकि उनके पास किसी के पास एजुकेशन प्लान नहीं होता किसी के पास प्रोफाइल नहीं होता किसी के प्रोडक्ट्स क्वालिटी नहीं होती किसी के प्रोडक्ट्स में दम नहीं होता ठीक है और किसी का पास में एजुकेशन सिस्टम नहीं होता काफ़ी कंपनियाँ क्लोज क्लोज को, जो कोलेप्स होने की कगार पर खड़ी रहती है लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है एग्जाम्पल के लिए नोकिया ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो नोकिया की कंपनी बहुत डाउन में चली गई थी सेम वे में अगर आने वाले टाइम में जो भी मार्केट में नई टेक्नोलॉजी दोस्तों आती है अगर उसके साथ हम नहीं चलेंगे तो डेफिनेटली हम भी फिनिश हो जाएंगे और जितनी भी कंपनियां काम कर रही है इंटरनेशनली अगर वो नई टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को कोप अप नहीं करेंगी मैच नहीं करेंगी डेवलप नहीं करेंगी अपने आप को ऊपर नहीं उठाएंगे डेफिनेटली वो कोलेप्स होनी है उनके लिए खतरे की घंटी बच चुकी है दोस्तों ठीक है आने वाले टाइम का जो कम्पिटिशन होगा वो टेक्नोलॉजी जी के ऊपर होगा बाकी की सारी चीजें पुरानी हो चुकी हैं दोस्तों और जो कंपनी अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड नहीं करेगी डेफिनेटली वो खतरे की घंटी है और कोलप्स होने के चांसेस हो सकते हैं मैं ये नहीं बोल रहा हूँ होंगे लेकिन कंपनियाँ फिर भी चलती रहेंगी उसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन एक कंपटीशन मार्केट में क्रिएट हो जाएगा और जिस कंपनी के पास टेक्नोलॉजी होगी वो कंपनी बहुत आगे निकल जाएगी ये फ़र्क तो डेफिनेटली होगा उसमें कोई डाउट नहीं है ओके जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ थोड़ी देर आप उनको समझिए फिर हम टेक्नोलॉजी के ऊपर चलेंगे जैसे जूम की ऑनलाइन मीटिंग्स होती है जैसे हमारी जो टीम है इसमें डेढ़ दो साल से जूम मीटिंग्स चल रही है कोई डाउट नहीं है लेकिन जनवरी फरवरी से कोरोना के बाद फरवरी से कोरोना जैसी सिचुएशन हुई तो काफ़ी हमारी मीटिंग्स बढ़ गई है उनकी संख्या है हमारी मीटिंग्स का एग्जाम्पल बता रहा हूँ सेम तरीके से इंटरनेशनली जब ऑफलाइन मीटिंग्स होती थी कहीं एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में जाना इंडिया के अंदर अलग अलग पार्ट्स में जाना मतलब ग्लोबली जो भी मीटिंग्स होती थी वो ऑफलाइन होती थी ठीक है लेकिन अभी वो एक ट्रेंड चेंज हो चुका है सब लोग आजकल कोरोना की इतनी भयानक बीमारी से बचने के लिए ऑफलाइन मीटिंग्स बंद हो गई हैं ऑलमोस्ट ओके और सब की सब मीटिंग्स ऑनलाइन मीटिंग्स वेबिनार सेमिनार सब कुछ ऑनलाइन हो गया और जूम की जो एप्लीकेशन है जूम का जो वर्जन है पूरे वर्ल्ड में नंबर थ्री पे आ चुका है जूम की कमाई इतनी हो चुकी है दोस्तों तो ये वक्त वक्त की बात है टेक्नोलॉजी की बात है दोस्तों उसके बाद जियो मीट लॉन्च हो चुका है जियो मीट भी धीरे धीरे अपने आप को डेवलप कर रहा है अपग्रेड कर रहा है जूम के माध्यम से जूम की टेक्नोलॉजी की तरह ठीक है थीके? फिर गूगल मीट ने अपना लॉन्च किया है जैसे आपको पता है तो जो भी ट्रेंड है मार्केट का चेंज हो रहा है ना उस चेंज जो ट्रेंड चेंज हो रहा है और जो सही टाइम की अपॉर्चुनिटी एक सही टाइम की एक पुकार होती है कि इस टाइम क्या करना चाहिए उसके तरीके से ये सारी चीज़ें चल रही है ठीक है तो एक टेक्नोलॉजी का असर है जूम ने इतना कर दिया कि इसके बाद काफ़ी कंपनीज ने अपनी ऑनलाइन मीटिंग्स के अप्लीकेशंस लॉन्च कर चुके गूगल मीट जियो मीट वेब मैक्स काफ़ी चीज़ें आ रही हैं टीम लिंक काफ़ी ठीक है ये क्या है ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है डे टू डे बेसिस पे ऑनलाइन वेबिनार कॉन्फ्रेंस सेमिनार्स वीडियो मीटिंग्स ओला टैक्सीज जैसे ऊबर टैक्सीज आने वाले पहले क्या था कि टैक्सी वगैरह की कोई एप्लीकेशन नहीं तो आज आपका टाइम भी बचेगा अपने एक मोबाइल एप्लीकेशन में डायल कीजिए आप ओला ऊबर को बुक कीजिए आपके घर पर आएगी आपके डेस्टिनेशन पर आएगी बिकॉज ऑफ़ टेक्नोलॉजी तो ऐसा तो नहीं है ना कि कारें बंद हो गई हैं बस बंद हो गई ऐसा तो कुछ नहीं है ना टेक्नोलॉजी आने से वो तो फिर भी चलेगा लेकिन टेक्नोलॉजी से आपका टाइम बचता है आपका पैसा बचता है ठीक है Airbnb एन बी होटल बुकिंग्स आप एयरबी एन बी की साइट पे आप होटल्स की बुकिंग कर सकते हो कहीं भी इंडिया के अंदर तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि होटल इंडस्ट्री बंद हो गई है, है ना लेकिन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं लोग ओयो ओयो का जो आ, इंडिया के अंदर बीस इक्कीस साल में वो करोड़पति अरब बन चुके हैं क्योंकि क्योंकि उसके दिमाग में एक आइडिया आया एक अप्लीकेशन लॉन्च की आप इंडिया के किसी भी कंट्री में जाओ चालीस हज़ार से ज़्यादा होटल्स ओयो की एप्लीकेशन पर रजिस्टर्ड है तो घर बैठ के आप बुकिंग कर सकते हो टाइम बच रहा है ना आपका बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी और ओयो वाला कितना अरब पति खरबपति हो चुका है ये भी आपको पता है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी क्योंकि मार्केट को लोगों ने उस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट किया उसको यूज किया सारी चीजें तो जैसे नई नई ट्रेन की एप्स वगैरह आती है आई से की इंडियन रेलवे का एग्जैक्ट पोजिशन देख सकते हो आप लोकेशन देख सकते हो पे आया पे से पहले क्या था आई बैंक ऑनलाइन जो इंटरनेट बैंकिंग आई बैंक ने लॉन्च की थी उसके बाद एस ने सोचा कि भाई ये तो बहुत आगे निकल जाएगा और निकल भी गया था आई बैंक फिर एस ने वो सारी चीज़ें डेवलप की अपने आप में उसकी टेक्नोलॉजी के साथ क्योंकि मार्केट में एस को भी सर्वाइव करना था फिर उसके बाद ये आया पे टी के बाद कैश मनी ट्रांजेक्शन मनी जो भी मनी का ट्रांजेक्शन होता है कैश के बजाय वो डिजिटल होने लग गया पे के माध्यम से फिर बिटकॉइन आया बिटकॉइन के माध्यम से भी काफ़ी कंट्रीज़ में लीगल है काफ़ी में लीगल है इन इंडिया में भी अभी लीगल नहीं हुआ है पूरी तरीके से तो टेक्नोलॉजी अपने आप को डेवलप कीजिए आप फिर उसके बाद गूगल पे फ़ोनपे गूगल पे फ़ोनपे ने काफ़ी पैसा कमाया है क्योंकि रेफरल कोड के जरिए इन्होंने काफ़ी पैसा कमाया और काफ़ी लोग इनके क्लाइंट्स हैं इंडिया के अंदर वो गूगल पे आ गया फ़ोन पे आ गया फिर भीम एप्लीकेशन आ गया फिर रुपए कार्ड आ गया इंडिया के अंदर ठीक है ना एयरटेल आइडिया वाडाफोन की जितने भी मोबाइल एप्लीकेशन हैं उन सब का अलग अलग रिचार्ज सिस्टम आ गया आपको कहीं दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है मोबाइल एप्लीकेशन वाडाफोन की है उसको पेटीएम से कनेक्ट कीजिए भीम से कनेक्ट कीजिए पे कीजिए तो ये सब क्या है मेक माई ट्रिप से आप फ्लाइट्स बुक कर सकते हो ट्रेन बुक कर सकते हो काफ़ी कुछ कर सकते हो घर बैठ करके तो ये एक टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन है जो टाइम टू टाइम चेंज होता रहा है और लोग उस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करते रहे और हैबिचुअल हो गए और लोगों का काम आसान हो गया और लोगों का टाइम बच रहा है पैसा बच रहा है डिस्टेंस ट्रेवल करना बच रहा है घर बैठ करके काफ़ी कुछ हो रहा है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी ठीक है ए टी एम डेबिट कार्ड विजय कार्ड मास्टर कार्ड कितने प्रकार के रेवोल्यूशन रुपए कार्ड चल रहा है अभी लेटेस्ट ठीक है और स्मार्ट कार्ड शॉपिंग मॉल्स में आप कोरोना के चक्कर में कैश नहीं दे रहे हो सब जगह डिजिटल मनी यूज़ कर रहे हो आप है ना अपना कार्ड स्वाइप करते हो पेमेंट हो जाता है या बार कोड स्कैन करते हो पेटीएम से भीम से सब जगह नई टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन है आपकी हेल्थ कोई फ़ायदा है आप भी बीमार नहीं होगे अगर कैश दोगे तो पैसे से भी कोरोना फैलता है ना तो ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी का है और उसका महत्व है उसको आप समझिए जोमेटो है तो आप घर बैठ कर के होटल्स वगैरह में खाना ऑर्डर कर सकते हो इसका मतलब ये तो नहीं कि होटल बंद हो जाएंगे रेस्टोरेंट्स बंद हो जाएंगे लेकिन एक फ़ायदा मिलता है आपको अर्बन क्लैप है एक तो ब्यूटी पार्लर पलम्बर मैकेनिक्स इस एप्लीकेशन के जरिए आप अपने लोकेशन अपने एरिया के अंदर सर्च कर सकते हो है ना और मनी ट्रांसफ़र कैश डिपॉजिट ऑनलाइन ट्रांसफर और आज ऐसे मोबाइल जो आई मोबाइल ऐप आई थी उसके बाद एस की योनो ऐप आई तो ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी डेवलप होती रही है और लोगों का माइंड सेट चेंज होता रहा है और जितने भी लोग हैं उन्होंने टेक्नोलॉजी को अडप्ट किया है नई जो टेक्नोलॉजी आई है मार्केट के अंदर और उसने बहुत बड़ा डिस्टर्ब किया है और यूट्यूब यूट्यूब के बाद क्या आया यूट्यूब के आप वीडियो पोस्ट करते थे यूट्यूब तो कभी वीडियो नहीं बनाता ना खुद का आप लोग ही बनाते हो ना मैं भी बनाता हूँ है ना तो यूट्यूब के बाद क्या है नेटफ्लिक्स जितनी भी मूवीज़ आती हैं उनके जो ट्रेलर आते हैं वो नेटफ्लिक्स पे क्यों आते हैं क्योंकि बेटर क्वालिटी है और ज़्यादा लोग देख सकते हैं एक साथ सेम यूट्यूब की तरीके से लेकिन यूट्यूब का अपग्रेडेड वर्जन नेटफ्लिक्स है ना सभी को पता है वो मार्केट में चल रहा है कोई डाउट नहीं है वीडियो कंटेंट मार्केटिंग होती है और बहुत ज़्यादा पैसा पे करते हैं लोग नेटफ्लिक्स के लिए है ना और औरकुट फेसबुक आने से पहले औरकुट एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था जब मैं दो पाँच या छः आप में से काफ़ी लोग जो 2005 और 2006, 2006 या 7 के आसपास ये और कुट चल रहा था एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन जिसमें मैंने भी अकाउंट बनाया था मैं भी यूज़ करता था लेकिन उसके बाद धीरे धीरे क्या डेवलप हुआ अपग्रेड हुआ फेसबुक मार्क जुकरबर्ग यंगेस्ट ठीक है तो ये सारी चीज़ें क्या है फेसबुक ने किस से आइडिया लिया और कुट से लिया होगा या किसी और से लिया होगा लेकिन आइडिया तो किसी ने लिया होगा ना अपग्रेड किया ना अपने आप को आपने भी फेसबुक के साथ आप और कुट को छोड़ के फेसबुक पे आ गए मैं भी आ गया फेसबुक पे है ना तो ये क्या है टेक्नोलॉजी को टाइम टू तो टाइम हमने अडोप्ट किया वो हैबिचुअल बने हम ट्विटर आज सिंबल बन गया स्टेटस एक लाइन डाल दो हंगामा हो जाता है कोई अच्छी न्यूज़ डाल दो कुछ भी कोई न्यूज़ ट्विटर के थ्रू आपको न्यूज़ मिल जाएगी आप न्यूज़ नहीं देखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं ट्विटर आपके अकाउंट में तो वहाँ से आपको लेटेस्ट न्यूज़ मिल जाएगी ग्लोबली कोई दिक्कत नहीं है व्हाट्सअप में ढाई सौ लोगों का ग्रुप बना सकते हैं लेकिन अपग्रेडेड वर्जन क्या है टेलीग्राम टेलीग्राम में लाखों लोग आप ज्वाइन करवा सकते हो चैनल के अंदर है ना टेलीग्राम ठीक है इंस्टाग्राम फिर लिंक के दिन पिन इंटरेस्ट तो ये सारी चीज़ें क्या है टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी के डेवलप होने से ऐसा तो नहीं है कि बैंक क्लोज हो गए टैक्सीज क्लोज हो गई होटल्स बंद हो गए मीटिंग होना ही बंद हो गई हो लेकिन जो भी टेक्नोलॉजी नहीं आती है पूरी तरीके से मार्केट को डिस्टर्ब करती है और बिगेस्ट मार्केट को अडेप्ट करती है और कैप्चर करती है उस मार्केट को ग्लोबल मार्केट को और जितने भी कंपनी हैं ग्लोबल मार्केट्स के अंदर जो नई टेक्नोलॉजी आएगी उसको अडॉप्ट करेंगे लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कंपनियाँ सारी क्लोज हो जाएंगी ऐसा भी कुछ नहीं है लेकिन एक अडप्शन और एक मार्केट को कैप्चर करना वो नई टेक्नोलॉजी बिल्कुल करेगी कोई डाउट नहीं है तो ये जो कैप्चर करना लीडिंग पार्ट ऑफ मार्केट अट्रैक्टेड डिस्ट्रैक्ट द बिगेस्ट मार्केट अपॉर्चुनिटी ये सब चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आई है वो मार्केट को अडेप्ट भी करेगी लोग भी उसको अडेप्ट करेंगे नई टेक्नोलॉजी को और बहुत बड़ी मार्केट की अपॉर्चुनिटी है पूरी तरीके से डिस्टर्ब करेगी एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगी मार्केट के ऊपर जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो आने वाले टाइम में जो फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग है वो किस प्रकार से होने वाला है वो देखिए फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा वो देखिए आप ठीक है एटोमी ऐजामॉल साउथ कोरिया साउथ कोरिया के अंदर एक ऐजामॉल लॉन्च किया गया है जिसके ऊपर दस हज़ार से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं और थोड़े टाइम में साठ हज़ार के आसपास प्रोडक्ट्स होंगे और एटोमी का विचार है दो हज़ार पच्चीस तक इसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक लाख के आसपास प्रोडक्ट्स होने वाले हैं दोस्तों तब देखिए दोस्तों क्या होगा अली बाबा में कहाँ कंपेयर करें कर रहे हो आप नंबर वन जाना है कोई डाउट नहीं है एम के ओ ने भी बोला है कि एटोमी तो बीट करेगी सबको कोई डाउट नहीं है सोच सकते हो आप तो फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग में जो कंपटीशन होगा आने वाले टाइम में किस में होगा जी एस जी एस ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स में होगा भाई आपकी कंपनी कोरिया की कंपनी है और आप एटोमी में काम कर रहे हो इंडिया के अंदर आपको जापान का प्रोडक्ट मिल रहा है ताइवान का मिल रहा है कम्बोडिया का मिल रहा है यू का मिल रहा है जापान का आई मिल रहा है यूएस का बी कॉम्प्लेक्स मिल रहा है अलास्का ई ओमेगा मिल रहा है ना, काफी मिल रहा है ना काफ़ी कंट्रीज़ के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं जी एस जी और लोगों को पता नहीं जीज़ जीज़ है जी एस जी एस क्या जी एस जी एस वो टेक्नोलॉजी है ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स का मतलब ये कि एक कंट्री का प्रोडक्ट पचास कंट्री में जिसमें जाए एक ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल के माध्यम से एक ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से एटो में एक ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स वेबसाइट है इसके माध्यम से एक कंट्री का प्रोडक्ट काफ़ी कंट्रीज में जा रहा है तो उस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम तो दोस्तों एटोमी तो दस साल से कर रही है है ना तो आने वाले टाइम में ये देखा जाएगा कि आपकी कंपनी कितने कंट्रीज़ में जा रही है आपकी कंपनीज में कितने प्रोडक्ट इंटरनेशनली सेल आउट हो रहे हैं कितने कंट्रीज़ का प्रोडक्ट इंटरनेशनली एक्सपेंड हो रहा है आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू इस पर कंपिटिशन होगा सेकेंड मास्टिज स्ट्रेटजी का मतलब ये होता है मास में प्रोडक्शन करना और प्रस्टिज प्रोडक्ट मास प्लस प्रस्टेज प्रोडक्ट एटोमी का एक ही टारगेट है मास में प्रोडक्शन और प्रस्टेज प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड करना मास्टिज स्ट्रेटजी से वो डेफिनेटली कर ही रही है एटोमिक उसमें कोई डाउट नहीं है और एटोमिक सी ईओ का एक ही विजन है सोर्स ऑफ ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हब बनना है इसको इंटरनेशनली एटोमिक हब बनना है डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल से जो भी हम शॉपिंग करते हैं तो उसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन एक कंट्री का सामान काफ़ी कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट करना सेल आउट करना ऑनलाइन तो उस डिस्ट्रीब्यूशन का हब बनना है और काफ़ी कंट्री में सबसे ज़्यादा चलने वाली वो एटोमी की वेबसाइट होगी एटोमी का ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल होगा तो वो हब बनना है इसको और पिछले दस साल में बहुत बड़ा रिकॉर्ड सेटअप कर चुके हैं और जो वर्ल्ड वाइड का जो डाटा है वो आप देखिए डाटा के ऊपर जाइए आप ठीक है रिसर्च कीजिए कितने प्रोडक्ट्स हैं कितना बड़ा कंजप्शन हो रहा है कोरोना काल में एटोमी ही एक ऐसी कंपनी है जिसका ग्लोबल मार्केट पंद्रह परसेंट इंक्रीज हुआ है जिसकी सेल्स पंद्रह परसेंट ग्रोथ हुई है कोरोना काल में सोच लो काफ़ी कंपनीज का माइनस में चला गया दोस्तों खत्म होने की कागार पे है यू एस के अंदर काफ़ी कंपनीज ने अपने स्टोर बंद कर दिए हैं ठीक है और एटोमी का कारोबार पंद्रह बढ़ा है कोरोना काल में आप सोच सकते हो ठीक है और ग्यारहवीं पोजिशन पे आ चुकी है दो हजार बीस के अंदर आने वाले साल में नेक्स्ट ईयर में टॉप फाइव सेवन के अंदर ये जाने वाली है और वन पॉइंट थ्री बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट टावल अवार्ड लास्ट ईयर इसको मिल चुका है और एटोमी के सीई ओ का टारगेट है हंड्रेड बिलियन डॉलर की कंपनी बनना ये अचीव करना डेफिनेटली करेंगे की पॉइंट्स क्या होते हैं कोई भी जो ग्लोबल डायरेक्शन कंपनी होती है उसकी देखिए उसके की पॉइंट्स एटोमी को सोर्स ऑफ ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हब बनना है कोई डाउट नहीं है वर्ल्ड वाइड इसको डिस्ट्रीब्यूशन हब बनना है और ये ऑलरेडी बनने के रास्ते पे है और चल रहा है उसका बहुत अच्छे तरीके से जी एस जी एस टेक्नोलॉजी का मैंने बता दिया मास्टर स्ट्रेटजी का बता दिया एटोमिका ए के लोग है एप्सोलूट प्राइस एब्सलूट क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड करना है एक रीजनेबल प्राइस पे लो प्राइस पे ठीक है और ये पहली ऐसी ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी बनने जा रही है एम एल एम इंडस्ट्रीज के अंदर जो सक्सेस के बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स सेटअप्स करने वाली है दोस्तों और नेक्स्ट जो टारगेट है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर 2021 के अंदर ये पाँच से सातवीं पोर्शन पे जा सकती है और 2022 के अंदर ये टॉप थ्री पोर्शन गेन कर कर सकती है और 2022 के बाद ये इसको नंबर वन बनने से कोई नहीं रोक सकता डेफिनेटली ओके वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट है अब एटोमिक सी ई ने दो वीक पहले एक ऑनलाइन वर्चुअल कॉन्फ्रेंस किया था जिसको बोलते हैं हम एक्सटेंडेड रियल टेक्नोलॉजी फोर्ड टेक्नोलॉजी उसका मैं एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ ये वर्चुअल सेमिनार इन्होंने किया था इंटरनेशनली हज़ारों कैमरे इन्होंने लगा रखे हैं ये देख सकते हैं आप हजारों कैमरे लगा लगा रखे हैं इन्होंने और इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं एक्सटेंडेड रियल टेक्नोलॉजी तो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक टाइम में ये कितने लाखों लोगों को सेमिनार दे रहे हैं वेबिनार दे रहे हैं ऑनलाइन जो कि बहुत बड़ी बात है दोस्तों और जब से ये वर्चुअल सेमिनार हुआ है तब से एटोमी के बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं भाई कहाँ से आ गई कंपनी क्या लेकर के आ गई किस तरीके की खतरनाक टेक्नोलॉजी लेकर के आ गई है और ये छाई हुई है मार्केट में दोस्तों इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से तो कोरोना के टाइम में जो कंपनियाँ बंद होने की कगार पर थी कोरोना काल में इस कंपनी ने बैक टू बैक ये क्या क्या टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे थे कोरोना टाइम में भी ये बैठे नहीं थे इनकी जो मैनेजमेंट टीम है कुछ ना कुछ नया डेवलप कर रही थी उसका रिजल्ट आपके सामने है दोस्तों ठीक है जिसके सीईओ का इतना क्लियर विजन है आने वाले टाइम में आप देख सकते हो कि कितना बड़ा हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हैं ठीक है हजारों कैमरे लगा रखे हैं एक साथ लाखों लोगों को सेमिनार देना ऑनलाइन बहुत बड़ी बात है ठीक है और एटोमी अभी पंद्रह से सोलह कंट्रीज में जा चुकी है और सोलवा कंट्री इंडिया होगा और एटोमी का पर्सनल चैनल है सी एच एटोमी चैनल एटोमी जो कि आप हर कंट्री की वेबसाइट पर देख सकते हैं और एटोमी आने वाले टाइम में इसकी जो एट प्रेजेंट इसकी मोबाइल अप्प्लीकेीकेशन भी चल रही हैं और एटोमी की टिकट बुकिंग्स की अप्लीकेशन भी आई हुई है और एटोमी की ग्लोबल वेबसाइट्स भी चल रही हैं चैनल भी है एटोमी का यूट्यूब चैनल भी है अलग अलग कंट्रीज़ का और उसके बाद जो नई टेक्नोलॉजी दोस्तों आ रही है एटोमी पर्सनल मोबाइल एप्लीकेशन आ रही है अभी तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम तो एटोमी आपका क्या करने वाला है एटोमिक पर्सनल मोबाइल एप्लीकेशन आपका पर्सनल शॉपिंग मॉल लॉन्च होने वाला है ठीक है एक एप्लीकेशन आएगी उस पर्सनल शॉपिंग मॉल के अंदर काफी चीज़ काफी कुछ चीज़ें नहीं होंगी जो आप देखोगे अभी इसके अंदर तो जितने भी एटोमियंस हैं इंटरनेशनली वो एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं फेसबुक की तरह आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं आप अपनी टीम को ट्रेनिंग दे सकते हैं प्रोडक्ट का टेस्टमोनियल्स कर सकते हैं इंटरनेशनली किसी भी मेम्बर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और एक एजुकेशन दे सकते हैं एटोमी की सभी को इस तरीके का प्लेटफॉर्म डेवलप होने वाला है जिस प्रकार से आप फेसबुक पर काम करते हो सेम तरीके से नई टेक्नोलॉजी आ रही है आपका पर्सनल मोबाइल एप्लीकेशन आ रहा है उसके अंदर आप शॉपिंग भी कर सकते हो सब कुछ आ रहा है उसके अंदर ठीक है आप अपनी टीम को ट्रेनिंग भी दे सकते हो नए लोगों से मिल भी सकते हो आप ठीक है और अभी क्या है कि एटोमी का मेन जो एम है कि ये आपकी जो पर्सनल एक्टिविटीज़ हैं जैसे कम्युनिकेशन हैं मैसेज हैं चैट हैं फॉलोवर्स हैं आपके पोस्ट हैं वी आर गोइंग टू क्रिएट ए पर्सनल प्लेटफॉर्म यू आपके लिए एटोमी आपका एक पर्सनल प्लेटफॉर्म डेवलप कर रही है जस्ट लाइक फेसबुक ऑल इन वन सब कुछ एक ही अप्लीकेशनस के अंदर तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा रेवोल्यूशन है जो कंपनी कस्टमर्स को जानती है अच्छे तरीके से कस्टमर्स के सक्सेस के लिए काम कर रही है उसमें नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है आप घर बैठ करके इंटरनेशनली किसी भी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं उस एप्लीकेशन के जरिए जो कि बहुत बड़ी चीज़ें हैं ठीक है और सजेशनस ट्रेनिंग सब कुछ आपको वहाँ पर मिलेगा जैसे फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर इंस्टाग्राम के ऊपर जो भी काम करते हैं और उसके अंदर बहुत फास्ट डुप्लीकेशन होता है जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो व्हाट्सअप फेसबुक ट्विटर्स के ऊपर ट्रैकेबल रहती है ठीक है और यहाँ पे क्या होगा आपको जितने भी टूल्स हैं पीपीटीज़ हैं एजुकेशन हैं गाइडलाइंस होंगी प्रमोशंस की इस नई एप्लीकेशनस के ऊपर ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी जो कि एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए रिक्वायरमेंट है और सब कुछ यहाँ पे होगा आप सिंगल प्लेटफार्म होगा ये आपके लिए जिसके अंदर वन रूफ एक रूफ़ के अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी दोस्तों बहुत बड़ी बात है तो आप सोच सकते हो कि आप मोबाइल अपल्किसन के साथ शॉपिंग भी कर सकते हो आप अपनी टीम को ट्रेनिंग भी दे सकते हो प्रोडक्ट भी बाई कर सकते हो ऑनलाइन सेमिनार्स भी देख सकते हो अपनी टीम को मीटिंग्स भी दे सकते हो और क्या चाहिए दोस्तों आपको ठीक है एटोमी इज़ गोइंग टू बिकम मोस्ट एडवांस पॉपुलर कंपनी ऑफ द होल वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड की सबसे मोस्ट और एडवांस ये कंपनी बनने वाली है बहुत बड़ी बात है दोस्तों पूरी दुनिया की सबसे उन्नत और लोकप्रिय कंपनी बनने वाली है ऑलरेडी बन चुकी है दोस्तों ठीक है तो एटोमी विल क्रिएट दी फ्यूचर ऑफ डी एस एन इंडस्ट्रीज एटोमी डायरेक्ट सेलिंग जितने भी कंपनियाँ डर सेलिंग इंडस्ट्री है उनका एक हिस्ट्री करने वाली है एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाली है हिस्ट्री को रीराइट करने वाली है री राइट का मतलब ये होता है एक नई टेक्नोलॉजी लेकर के आ रही है और कोई भी नई टेक्नोलॉजी दोस्तों आएगी मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग उसको अडेप्ट करेंगे वो मार्केट को डिस्टर्ब करेगी और बहुत ज़्यादा मार्केट को वो कैप्चर करेगी डेफिनेटली हिस्ट्री तो लिखने वाली है इसमें इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता ठीक है तो जितनी जो दूसरी कंपनियाज़ हैं इंडिया की बाहर की इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं मिजन है अलीबाबा है अगर वो इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेंगे तो दोस्तों उसको 10 से 20 साल लग जाएगा और 10 से 20 साल के अंदर आप और मैं कहाँ होंगे ऐटोमी के साथ जुड़ करके हमारा फ्यूचर क्या होगा तो ये आप सोच सकते हो आप यहीं से अपना विज़न डिसाइड कर सकते हो ऐटोमी विज़न जिसको बोलते हैं तो ये एक ऐसी कंपनी मिलने जा रही है आपको जो दूसरी कंपनियाँ इसके प्लेटफॉर्म को अगर काम करेंगी डेवलप करेंगी तो इसकी तरह प्लेटफार्म बिल्ड करने के लिए उनको 10 से 20 साल लग जाएंगे लेकिन फिर भी इसके प्लेटफार्म के साथ कंपेयर कोई नहीं कर पाएगा तब तक और तब तक आप और मैं होंगे ये आप डिसाइड कर सकते हो दोस्तों ठीक है और अगेन ये री नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री लिखेगी उसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों ये बिल्कुल बोल चुकी है बात यह है टेक्नोलॉजी के बारे में एक्सटेंडेड रियलिटी टेक्नोलॉजी क्या होती है एक वर्चुअल टेक्नोलॉजी होती है एक आगूमेंटेडेडेडेडेड रियलिटी होती है एक मिक्सड रियलिटी होती है तो इसके बारे में एक्सर के बारे में डिटेल में अपने अलग से वीडियो में बुलाऊंगा यहाँ पर मैं कॉमन चीज़ें बताऊँगा क्योंकि काफ़ी नए मेबर्स हैं तो उनको अगर मैं ज़्यादा चीज़ें बताऊंगा टेक्नोलॉजी को मैं टेक्नोलॉजी में प्रोफेशनल हूँ एम सी ओ में वैसे ठीक है और जो मैं चीज़ें अगर हाई लेवल की आपको यहाँ पे अभी बता दूंगा तो डेफिनेटली आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो जो मेन मेन चीज़ें मैं वही आपको यहाँ पे बताऊंगा ताकि आपको पता चल सके कि एटोमी के अंदर क्या होने वाला है तो विचुअल और रियलिटी दोनों को मिला कर के एक बीच की टेक्नोलॉजी निकाली है एक टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड रियलिटी आपकी जो रियल है इमेज है उसको एक्सटेंड कर दिया एक्सटेंड का मतलब बढ़ाना बढ़ाना का मतलब क्या है एक नकली मॉडल वर्चुअल मॉडल ठीक है वर्चुअल का मतलब होता है नकली रियलिटी का मतलब तो रियल नकली और रियल को मिला करके एक्सटेंड कर दिया है उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड रियलिटी यानी कि आपकी जो रियलिटी है आपका जो बॉडी है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया किस विर्चुल में वर्चुअल में वर्चुअली वर्चुअली एक मॉडल रेडी कर दिया आपके जैसा और आप जो भी वहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल पे ऑर्डर करोगे तो उस मॉडल को हम पहनाएंगे शर्ट टी शर्ट शूज़ वगैरह आपके शेप एंड साइज का उस टेक्नोलॉजी के आधार के ऊपर उसको बोलते हम एक्सटेंडेड रियलिटी आपकी रियल चीज़ों को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया और वर्चुअल फोरम में एग्जिस्ट करोगे आप ठीक है इसको बोलते हम एक्सटेंडेड रियल टेक्नोलॉजी नेक्स्ट एक्सआर शॉर्ट फॉर्म में आप इसको बोल सकते हो जो कि पॉपुलर हो चुका है एक्स आर आइटम क्या है ठीक है तो इस प्रकार से आप ये फोर डी मोबाइल अपलिकेशन लॉन्च हो रही है उस मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आपको अगर शर्ट ख़रीदनी है तो शर्ट के लिए शॉपिंग मॉल पे जाओगे दस तरीके की शर्ट पहनोगे सिससे के सामने देखोगे आप कौन सी सही है ये है वो है वो टाइम कंज्यूम होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठीक है और जैसे आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो और अगर आपको फिट नहीं आया तो फिर दोबारा से उसको चेंज करोगे तो वो टाइम आपका ख़राब होता है उसके अंदर टाइम और पैसा इन्वेस्ट जो पैसा आपने लगाया और टाइम बहुत ज़्यादा तो उस चीज़ों से बचने के लिए ठीक है ये टेक्नोलॉजी है कि आप सही साइज़ की शर्ट घर बैठ करके ऑर्डर कीजिए आपका साइज़ क्या है मीडियम है स्मॉल है ज़्यादा है तो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए और उसके हिसाब से आप उसको एक आपका जो डायमेंशन है बॉडी का लेंथ वेट हाइट वेट जो भी है वो डालिए और एक डमी मॉडल आपका आपके मोबाइल के स्क्रीन के अंदर आएगा और उस कलर का जो भी क्लॉथ आपको लेना है उस मॉडल को पहनाया जाएगा तो आप यहाँ से बैठ करके देख सकते हैं कि वो आपको फिट होगा छोटा है बड़ा है तो वो चेंज कर सकते हैं डेफिनेटली फिर उसको ऑर्डर कीजिए प्रोडक्ट आपको घर पर मिलेगा और डेफ़िनेटली आपका टाइम बचेगा एक सही चीज़ कम समय में आपका टाइम भी बचेगा है ना तो इसको बोलते हैं हम एक्सटेंडेड रियल टेक्नोलॉजी फोर डी अप्लीकेशंस शू लेना है आपको तो शू आप अपना पैर का साइज़ वगैरह उसमें बताइए और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे काम करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है दोस्तों कस्टमर्स हम एटोमिक के कस्टमर्स हैं और हमारा पूरा बायोडाटा एटोमिक के पास है पहली चीज़ अच्छा बुरा क्या लगता है हमारी फिजिकल एक्टिविटी हमारा बॉडी का डायमेंशन वो भी एटोमिक के पास है जैसे कस्टमर केयर को कॉल करते हैं ना हम कि सर ये बताइए वो बताइए वो सारी चीज़ें यहाँ पे एप्लीकेशंस में आप डालोगे तो आपका एक डमी मॉडल क्रिएट होगा वर्चुअल इमेज क्रिएट होगी मोबाइल के अंदर और जिस शेप एंड साइज का शू आप लेना चाहोगे वो आपके पैर में वहाँ पे दिखाया जाएगा छोटा रहेगा बड़ा रहेगा फिट रहेगा ये सारी चीज़ें तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है तो उसको मॉडिफाई करके इसमें एप्लीकेशंस के, इस के थ्रू वो आप चेंज कर सकते हैं शूज़ वगैरह आप अपने पैर के अंदर किस तरीके से लगेगा आपको जैसा कि इसके अंदर है ठीक है तो सेम वे में तो ये ए का कन्वर्जन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोर और एक्सटेंडेड रियल तीनों का मिक्स वर्जन है ये जो भी एप्लीकेशंस आ रही है जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो ओके इस तरीके से आप का टाइम बचेगा यहाँ पे अब एटोमी फोर डी बिजनेस क्या है उसके बारे में मैं बताऊँगा फोर डी का क्या, क्या टेक्नोलॉजी है फोर डी हमने थ्री डी पे काम किया था दोस्तों एटोमी तो फोर डी पे काम कर रही है बहुत ही एडवांस में है ना थ्री डी नहीं फोर डी पर काम हो रहा है यहाँ पे इस प्रकार से ये लेफ्ट साइड में कैप्टन एनगिड्स पारक राइट साइड में कैप्टन एनगिड्स स्पारक की हाइट साइज वेट वेट रेशियो राइट साइड में एक डमी मॉडल है इस मॉडल के ऊपर जो कपड़े पहनाए गए हैं वो घर बैठ के आप ऑर्डर कर सकते हैं तो आपका जो सेम साइज़ है हाइट है उसके अंदर कोई भी ड्रेस किस प्रकार से फिट होगी कितना छोटा बड़ा रहेगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से ठीक है इस प्रकार से ये ये आपका पूरा लेंथ ब्रेड हाइट जो भी है वो सही आएगा उस पर करके मॉडल में आप उसको पहना करके देख सकते हैं घर बैठ कर के कोई भी चीज़ किसी भी प्रकार के ड्रेस ओके तो इस टेक्नोलॉजी में जैसे रिंग लेनी है आपको आपका जो साइज है हाथ का वो आप इसके अंदर रखिए और उसमें जो भी चीज़ें हैं आपको किस तरीके से लगेंगी वो आप देख सकते हैं इसके अंदर ठीक है तो एक्सटेंडेड रियल टेक्नोलॉजी के अंदर ही सारी चीज़ें आती हैं और आप अपना डमी मॉडल क्रिएट कर सकते हैं एक प्रकार से वर्चुअल और रियलिटी के बीच में फिर दूसरी सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे आ रही है एटोमी का पर्सनल प्लेटफॉर्म यहाँ पे आप ऑनलाइन शॉपिंग्स कर सकते हैं आप अपना ऑनलाइन नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं एटोमी का ओके और पर्सनल मार्केट प्लेस बना सकते हैं यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं और लोगों से कनेक्ट रह सकते हैं आप और जिस प्रकार से आप फेसबुक के अंदर पोस्ट कर सकते हो आप शॉपिंग करना है तो शॉपिंग कीजिए किसी से बात करनी तो बात कीजिए अपना वीडियो अपलोड कीजिए टेस्टिमोनियल्स अपलोड कीजिए यहाँ पे और अपना जो ग्लोबल नेटवर्क उसको एक्सप्लोर कीजिए आपके पोस्ट को लोग लाइक करेंगे फॉलो करेंगे ठीक है ना कमेंट करेंगे सारी चीज़ें आप देख सकते हैं ठीक है और आपको अगर प्रोडक्ट अच्छा लगे तो उसका ऑर्डर कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस आप यहाँ पे लिख सकते हैं वीडियो कंटेंट के रूप में तो जो चीज़ें आप फेसबुक पे करते हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो और इडर इंटरनेशनली जितने भी लीडर्स हैं उनसे आप मिल सकते हैं यहाँ पर ठीक है तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी आ रही है तो जस्ट लाइक फेसबुक ओके okay, तो ये सारी चीज़ें आप देखिए इस टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा इम्पैक्ट रहता है दोस्तों आपका पर्सनल शॉपिंग मॉल लॉन्च हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है ये नेक्स्ट और आप एटोमी की मोबाइल अप्लीकेशन के साथ जितने भी इंटरनेशनल सेमिनार्स होते हैं वो सारे घर बैठ करके अटेंड कर सकते हो चाहे आप कहीं भी हो उस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आप देख सकते हो सारी चीज़ें इंटरनेशनली क्या क्या हो रहा है एटोमी के अंदर सॉरी कहाँपिन कहाँ सेमिनार्स वगैरह हो रहे हैं वो सब चीज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों और ये जानकारी आपको पसंद आई होगी आप अपनी टीम में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए डेफिनेटली आज आपके माइंड में एटोमी का जो फ्यूचर विज़न है वो सेट हो गया होगा और आप अपना माइंड एटोमी माइंड सेट अपना सेट कीजिए अभी से और विज़न आपको यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों डेफिनेटली मिला होगा कुछ ना कुछ आपको यहाँ आज इस वीडियो के माध्यम से सीखने को ज़रूर मिला होगा इतना मैं दावा करता हूँ डेफिनेटली ओके और मैंने अपने आप को ईजिएस्ट वे में आप सभी को समझाने के लिए ये सारी चीज़ें स्लाइड्स वगैरह मैंने बनाई हैं और आप इसको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप अपनी टीम में इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए इसको शेयर कीजिए ताकि उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फोर टेक्नोलॉजी एक्स आर के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त हो और अगर आप नए मेंबर हैं और आप एटोमी टीम वॉरियर के साथ जुड़ना चाहते हैं जो कि इंडिया के अंदर सबसे बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं एटोमी की एम नेटवर्क मार्केटिंग की हर तरह की ट्रेनिंग्स हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं आपको और आपकी पूरी टीम को सक्सेस के द्वार तक लेकर के जाएंगे और सब लोग मिल कर के सक्सेस अचीव करेंगे यहाँ पर ये हमारा टारगेट है ये हमारा विजन है ओके और आप हमारा जो नए मेम्बर सा इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और सोशल मीडिया के जो लिंक्स दिए गए हैं आप हमें रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं टीम वारियर टाइप कर करके और काफ़ी चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हैं और आपको लेटेस्ट जो इन्फॉमेसन है ग्लोबल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी दोस्तों इंडिया के किसी भी पॉइंट में अगर आप हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आपको आप वहाँ पर भी पूरा सपोर्ट मिलेगा तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा और जितने भी सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हमने बताए हैं इनको आप फॉलो कीजिए सारे चीज़ें यहाँ पर हैं आपको थैंक यू वेरी मच दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए Thank you very much, friends.